बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। माननीय अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे, इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है, प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं, 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं किसी भी गुनेगार को। अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका भी प्रावधान माननीय हम लेकर आए हैं। माननीय राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था, मैं इस सदन को कहना चाहता हूं एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है, राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र सबको बोलने का अधिकार है, राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं माननीय। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी, पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। मान्यवर जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा, कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए देश छोड़कर, भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएंगे। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपे सजा सुनाई जाए। माननीय इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। माननीय आप, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे, आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल पर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ेगी। माननीय इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है माननीय, और मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूर परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। माननीय इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है, अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है। दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। माननीय मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है माननीय कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्य ने दिया है परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो, इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर।